कभी आपने सोचा है चिड़ियों के इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है? यहाँ पर ये दो चिड़िया इलेक्ट्रिक वायर पे बैठती हैं, लेकिन इसमें से एक चिड़िया को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, वो भी कैसे मैं बताता हूँ। हाँ, मेरा वाला इलेक्ट्रिक वायर काला हो गया शॉर्ट सर्किट के कारण, लेकिन इसमें भी 220 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। फिलहाल चलते हैं पहले वाले काले कौवे के पास, जो एक इलेक्ट्रिक वायर में बैठा है, लेकिन गलती से अगर इसका सिर ऊपर वाले वायर से टच हुआ तो काम तमाम तुरंत हो जाएगा। वैसे करंट दोनों वायर में है। पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर इन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है। करंट की सबसे खास बात यह है कि वो ट्रेवलिंग के लिए सबसे छोटा वाला ही रास्ता चुनता है, जिससे यह चिड़िया के अंदर से होकर नहीं गुजरता है, इसलिए चिड़िया को करंट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पावर बैठा है, उसका बॉडी पार्ट दूसरे वायर से टच कर रहा है, जिससे करंट दूसरे वायर से जाकर एक जोर का शॉर्ट सर्किट करेगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। कुछ नया और मजेदार जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें।